चुनावी मौसम आते ही नेताओं को जनता के हर सवाल भगवान के प्रसाद की तरह लगते हैं। पूरे 5 साल में एक बार भी सांसद जी ने जनता चौपाल नहीं की, लेकिन चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद नॉर्थ ईस्ट से सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ट्विटर पर आए और जनता के हर सवाल जवाब देने बुराड़ी गाँव पहुँच गए। सांसद जी की तरफ से मीडिया को बताया गया कि सांसद जी के ट्विटर हैंडल पर 1700 के लगभग सवाल आए हैं, पर सांसद जी के सहयोगियों ने जनता के वही सवाल पड़े हैं जो दिल्ली की राजनीति या उनके संसदीय क्षेत्र से मेल खाते हैं। मनोज तिवारी आज पहली बार ट्विटर चौपाल लगा के बैठा हूं। मैंने इस दिन की कल्पना करनी शुरू कर दी थी जब हमारे देश में पता चला कि दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हमारे देश में भारत में हो गए। हमने इस दिन इस समय की कल्पना कर दी थी, करनी शुरू कर दी थी जब हमें पता चला कि हमारे देश में पहले मोबाइल की 2 कंपनियां होती थी, अब 117 दो फैक्ट्री होती थी, अब 117 फैक्ट्री हो गई है। निश्चित रूप से वहाँ लोग ही काम कर रहे होंगे, उन सभी टेक्निकल लोगों को मैं नमस्कार भी करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास था पहले से भी, मैं बोलता था, देखिए जब हम सही मायनों में किसी गांव के एक किसी महिला के आंख के चूल्हे के धुएं को रोक सकते हैं, उसको उज्ज्वला गैस के तहत गैस दे सकते हैं, जो कल तक गाँव में हमारी बहन बेटी सुबह से सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त होने तक 6.5 करोड़ घरों में तो हमने उज्ज्वला गैस पहुंचाई है, लगभग 9.5 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनवाए। सांसद महोदय ने ट्विटर पर पूछे हुए सवालों पर अपने 5 साल में किए कामों का खूब महिमा मंडल किया, पर जब सांसद जी से गेस्ट टीचर से जुड़ा सवाल पूछा गया तो सांसद जी ने इस सवाल की कीमत मांगने में देर न करते हुए कह दिया कि केंद्र के बाद दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनवा दो, नौकरियों के साथ दिल्ली को पूर्ण दर्जा भी दिलवा देंगे। केवल SMS, देखिए हमने प्रण कर लिया, हम दिन में चाहे 1000 मैसेज पढ़ना पड़े हम देंगे, बिना उसका जवाब दिए नहीं सोएंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है सीमा जी, और ये आपके सामने हम जवाब दें। देखिए इसके लिए बड़ा जरूरी है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसका मन साफ हो, अगर उसको कहीं कहीं अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोलना पड़े तो उसको हिचक ना हो, इंसान है, गलती हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, ऐसा भी नहीं है कि वो पहली सरकार है दिल्ली में, उनके पहले 4-5 मुख्यमंत्री 6 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जो तानाशाही रवैया और साजिश और भ्रम वाला रवैया है वो इस पॉल्यूशन का बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आई वॉन्ट टू मेक वन एग्जाम्पल, हमारे दिल्ली में आजकल पर्यावरण सेस लगता है, इन्वायरमेंट सेस, जो कि जो भी गाड़ी घुसती है उससे लिया जाता है, उसका पैसा इस समय लगभग 9000 करोड़ प्लस है, और आपको जान के दुख होगा कि वो पैसे का किसी भी उस अभियान में उपयोग नहीं हो रहा है जहां से हम पर्यावरण को स्वच्छ करें। ये सच है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले देशों को फहरिस्त में है, ये कहना भी सही नहीं है कि इंटरनेट यूज करने वाला ट्विटर जैसे ऐप को फॉलो करते हो। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।